लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न अंचल में वर्तमान वर्षा जारी रही गंजाम और कलाहांडी स्थिति कौन अच्छी सीधासलख जानवाई जावा प्रतिनिधि अच्छा गंजाम अच्छा प्रतिनिधि अजित दास और कलाहांडी अच्छा अंशुमान पात्र प्रथम अजित आपठी जानवाक चाहिए गंजाम चित्र कौन केमती अच्छी वर्षा कौन केमती परिमाण से क्यों क्यों अंचल वर्तमान जलबंदी अवस्था अच्छी निश्चित भाव बंदिता कहुपर यह लघुचाप जनित लगाण वर्षा विशेष भाव गंजाम जिलार भंजनगर आशिका कविसूर्यनगर पोलसरा बुगुड़ा अंचल बेस प्रभाव पड़ी एवं यही लगाण वर्षा होगा द्वारा पोलसरा कविसूर्यनगर धराकूट आशिका अंचल व्यापक फसल नष्ट विशेषकर पनीपरिया फसल ठार् आरंभ कर धान फसल पर्यंत प्राय हजार हजार हेक्टर धान चाष जमी एवं जलमग्न रही लोक माने जो चाषी करते चाषी माने जो चाष कार्य करते बहु आशा नहींक्री एवं वर्षार अभाव रही समस्ते स्वर्ग आशा को अपेक्षा करते कि लघुचाप वर्षा जो दुई तीन दिन काल जो वर्षा है जारी फल बहु भरण चाष जमी एवं पूरा नष्ट हो जनापड़ी बंदिता बिल्कुल अंशुमान आपणकठु मध्ये से समान प्रश्न उत्तर जानिबाकू चाहिबु कौन वर्तमान कलाहांडी स्थिति अच्छी केते वर्षा होउछि कलाहांडी रे एवं सेमिति किसी सूचना अच्छी कि निर्दिष्ट क्षय क्षतिर बंदिता देखंतु कलाहांडी जिले में गत चार दिन है लगाण वर्षा जारी रही आउ जो वर्षा गत काली राति वर्षा परिमाण बढ़ी प्रबल वर्षा जारी रही आउ जदि वर्षा कथा कह जूनागढ़ ब्लॉक रे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड कर 177 मिलीमीटर आउ कलाहांडी जिला तीन टी ब्लॉक बेसी प्रभावित होती जमी कह जूनागढ़ आउ कोलमपुर आउ जयपटना आउ जेहेतु हाथी नदी रे माने पानी प्रभावित आउ जदि कह इंद्रावती जलभंडार दुईटी गेट वर्तमान खोला जाइछि आउ से पानी को हाथी नदी रे निष्कासन करा जाउछि सेतिपई हाथी नदी रे जलस्तर बढ़िबार लागिछि जहाँ फल जो कोलमपुर अंचल अच्छी कोलमपुर ब्लॉक रो तीनटी गाँ बीरीपुर माटीखाल आउ बालीछड़ा यही अंचल रे गत रविवार दिन जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होता गाँव में माने पानी पशि जाइथिला किंतु गत काली जितक वर्षा कमी स्वाभाविक परिस्थिति होता किंतु आज जेहेतु गत काली राति तमाम वर्षा लागि रहिछि आउ एबे मध्य वर्षा लागि रहिछि सेतिपई आशंका आशा और आशंका रही काले पुणी से पूर्वावस्था को फेरी आसब कि तो सेतिपई नदी कूलिया अंचलवासी पूरा भयभीत अच्छा जेहेतु प्रत्येक वर्ष से बन्या परिस्थितिर सम्मुखीन होता आउ कृत्रिम बन्या कह जाए या जेहेतु हाथी नदी में जलस्तर बढ़ले ही से अंचल बन्या हुए हाथी नदी जलस्तर किभली भाव में बढ़ी थाए जितक बेल कि इंद्रावती जल भंडारू पा निष्कासन कराए बंदिता निहाती से लोक माने मध्य चिंतार अच्छा कि परवर्त समय जदि पा बढ़े से कौन करेंगे प्रशासनिक पदक्षेप निहाती आवश्यक से अजित आपठ जानवाक चाहिए नदी में जलस्तर कौन के कहीं आगामी समय रे पुणी थे आलर्ट रखा जा जिला को अधिक वर्षा नहीं निश्चित भाव बंदिता वर्तमान यही लघुचाप जनित लगाण वर्षार गंजाम जिलार जो प्रमुख नदीगुड़िक रही ऋषिकुलिया नदी बड़ नदी धनई नदी एवं बाघुआ नदी यही नदीगुड़िक एक प्रकार जलपतन वृद्धि होवे लगी विपद संकेत अवस्था को पहुंची पारिना किंतु जदि गोटाए कथा कह बाघुआ नदी एवं ऋषिकुलिया नदी नईकूल बास करुवाक ग्राम यह आतंकित हो पड़ते कारण समयानुक्रमे अवश्य एवं किसी समय पर गंजाम जिलार किसी अंचल वर्षा छाड़ी अनेक समय वर्षा अनवरत भाव वर्षा होने जलस्तर धीरे धीरे बढ़िबार लगी अंपटे जदि बागुआ नदी एवं धनई नदी यही नदी जलपतन किसी जमी को माड़ा आरंभ कला जारी फल वर्षार परिमाण जदि बढ़े तेज बन्या परिस्थिति को एड़ाई दि जाए नपे एथ भंजनगर उपजिलापाल एवं आशिका गोष्ठी उन्नयन अधिकारी गत काली विभिन्न स्थान को परिदर्शन करछंती वर्तमान सुधा बन्या परिस्थिति सृष्टि होइ नथिले मध्ये जदि बा वर्षा आउरी लागि रहे दुई रु तीन दिन व्यापक निश्चित भाव बन्या परिस्थिति सृष्टि होवार आशंका करा जे परे बंदिता बिल्कुल अंशुमान आगामी समय रे कलाहांडी जिला पई मध्ये समान अलर्ट रखा जाय छि पानी पाग विभाग तरफ जदि अधिक वर्षा हला प्रशासन निजो को केते प्रस्तुत कर दे छि लोक को सुरक्षा देबा पई
ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ରହିଥିବା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯଦି କହିବି କି ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ରହିଛି ହାତୀ ନଦୀ ଆଉ ତେଲ ନଦୀ ନାଗାବଳୀ ବଂଶଧାରା ରେତ, ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ହାତୀ ନଦୀରେ ଯେତିକିବେଳେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ କଲମପୁର ବ୍ଲକର ମାନେ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଗାଁ କଥା କହୁଥିଲି, ବିରିପୁର, ମାଟିଖାଲ, ବାଲିଛଡ଼ା, ସେହି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକକୁ ବି କହିସାରିଛି କି କେଉଁ ସମୟରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସେଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଯାହା କହୁଥିଲା କି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଜରୁରୀ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ତ ଧାନ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସରିଥିଲା ଏବେ ସରିଥିଲା, ତ ଚାଷରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁଣି କହିଛି, ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି କି ବର୍ଷା ଆଉ ଚାରି ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଦିତା, ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ଏବଂ ଅଂଶୁମାନ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇକି ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଜାରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି।